नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीआर चौधरी। मेरी यूट्यूब क्लास में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको कितने क्वेश्चन आते हैं? बिल्कुल 5 मिनट के अंदर हम 30 क्वेश्चन का रिवीजन कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर जरूर करें। किस स्थल के उत्खनन में इंडो यूनानी शासकों के 28 सिक्के मिले हैं? तो इंडो यूनानी शासकों के 28 सिक्के हैं वो विराटनगर जयपुर से मिले हैं। वीडियो अच्छा नहीं लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। राजस्थान में लगभग 1800 गुप्तकालीन सिक्के कहाँ से मिले? तो 1800 गुप्तकालीन सिक्के हैं वो बयाना भरतपुर से मिले हैं। कौन सा पुरातत्वविद कालीबंगा की खोज करता है? तो ए गोस। बैराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए? बैराट जयपुर में मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। प्रोफेसर SD साकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता का उत्खनन हुआ है वो है आहाड़ सभ्यता, जो एक ताम्रयुगीन सभ्यता है। राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है? तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्रमुख सभ्यता है वो आहाड़ है। कौन सी है? आहाड़। आहाड़ सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वो थे उद्योग धंधे। कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे फैली थी? तो कालीबंगा की सभ्यता है वो लूनी नदी के किनारे फैली थी। आहाड़ सभ्यता को एक विशेष सभ्यता माना जाता है, वह कौन सी है? तो आहाड़ सभ्यता एक ताम्रयुगीन सभ्यता है। कालीबंगा का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? BK थापर और BB लाल के निर्देशन में। मैं जल्दी से इसलिए पढ़ाना चाहता हूँ क्योंकि टाइम भी ख़राब होता है और ऑप्शन बोलने से, इसलिए राइट आंसर जल्दी से जल्दी बताया जा रहा है। कालीबंगा की खुदाई में प्राचीन नगर के कितने स्तर पाए गए हैं? 3 स्तर। और ये जो भी क्वेश्चन है वो प्रत्येक परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। भारत के प्राचीन टाटानगर के नाम से विख्यात रेनटॉक में किसका सबसे बड़ा विशाल भंडार मिला है? तो प्राचीन सिक्कों का। बागो सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में? डॉक्टर BN मिश्र के निर्देशन में। किस स्थलों पर पुरापाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं पुरापाषाणकालीन अवशेष जायल डीडवाना से। निम्नलिखित में से बड़ी संख्या में मालव सिक्के या आहत सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये सिक्के प्राप्त हुए हैं नगर टोंक से। लूनी नदी के किनारे स्थित पुरातात्विक स्थल कौन सा है? तो लूनी नदी के किनारे तिलवाड़ा बाड़मेर। लोहा से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुनारी झुंझुनू से मिली है। पूरा हड़प्पाकालीन ताम्र सभ्यता के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो पूरा हड़प्पाकालीन ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं गणेश्वर से। पूरा अवशेषों के संरक्षण हेतु संग्रहालय की स्थापना कहाँ पर की गई है? कालीबंगा में। वीडियो अच्छा लगा तो यार दोस्तों को शेयर एंड लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।